ठीक है चलो स्टार्ट करें, बोलो यस और नो। ओके, सबसे पहली बात, कल हमने डेफिनेशंस कंप्लीट किए थे, याद है सबको? हाँ, है ना। सो आज का लेक्चर नंबर 3 है, इसके अंदर हम जो बची हुई डेफिनेशन है उनको कंप्लीट करेंगे, फिर हम लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल में जाएंगे, मीटिंग और रिजोल्यूशन, फिर फॉर्मेशन एंड इनकॉर्पोरेशन को आज हम छुएंगे। क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ, है ना। बिकॉज कल वैलेंटाइंस डे है और आज किस डे है? आगे सो बेसिकली अगर देखा जाए तो सर, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, यस्टरडे वी हैव स्टार्टेड विद द डेफिनेशंस, राइट? पहली डेफिनेशन कौन सा दिखी थी? चार्टर्ड कंपनी, ऐसी कंपनी जिसको क्या होते हैं? स्पेशल राइट। दूसरा, स्टैट्यूटरी कंपनी। तीसरा, रजिस्टर्ड कंपनी। चौथा, अनलिमिटेड। अनलिमिटेड मतलब हुज मेंबर्स डू नॉट हैव लिमिट ऑन देयर लाइबिलिटी। अगला, लिमिटेड लाइबिलिटी। नेक्स्ट वाला, मेंबरशिप। पब्लिक कंपनी मतलब, उससे पहले प्राइवेट बोलो, प्राइवेट का क्या डेफिनेशन है? कंपनी वाइज AOA, ट्रांसफर ऑफ शेयर रेस्ट्रिक्टेड। हम दो, हमारे, जॉइंट होल्डिंग शॉल बी काउंटेड एज वन। एक्शन करो, एक्शन करो जिंदगी के अंदर। प्रेजेंट, पास्ट, शॉल नॉट बी काउंटेड। इनविटेशन टू पब्लिक नॉट अलाउड। ओपीसी के अंदर चार चीजें हमने देखी थी। पहला क्या? सबसे पहला इंडिविजुअल होना चाहिए और वो रेसिडेंट होना चाहिए। एक ओपीसी में आप मेंबर हो तो दूसरे ओपीसी में आप मेंबर नहीं हो सकते, बाकी सब चलेगा। क्लियर है? फिर मैक्सिमम पेड अप कैपिटल 50 लाख, टर्नओवर 2 करोड़। नेक्स्ट वाला, एनबीएफसी और सेक्शन 8 कंपनी ओपीसी बन नहीं सकता। नेक्स्ट वाला, नेम ऑफ कंपनी में क्या रहेगा? ओपीसी ब्रैकेट के अंदर। कुछ याद आया सबको? हाँ, है ना। फिर ओपीसी के डेफिनेशन के बाद पब्लिक कंपनी की क्या डेफिनेशन थी? विच इज नॉट अ प्राइवेट, मिनिमम 7, मैक्सिमम अनलिमिटेड। फिर सब्सिडरी शॉल बी डीम्ड टू बी डीम्ड पब्लिक कंपनी। कुछ याद आया? फिर डेफिनेशन आई थी किसकी? होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट। व्हाट इज सब्सिडरी? कितने तरीकों से बन सकता है? दो, इधर कंट्रोल्स मेजॉरिटी ऑफ वोटिंग पावर और कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अगला, एसोसिएट कंपनी 20% ऑफ द होल्डिंग। उसके बाद में गवर्नमेंट कंपनी, अ कंपनी इन विच 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय सीजी और एसजी और बोथ। क्लियर है कंसेप्ट? और फिर उसके बाद फॉरेन कंपनी, अ कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया हैविंग प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया एंड मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स आर आउटसाइड। और हमने फॉरेन कंपनी कंप्लीट किया था, फिर भी आज कुछ डेफिनेशंस बाकी है, आज हम उनको सबसे पहले कंप्लीट करते हैं। ठीक है, लेट्स गो। एक सेकंड, हाँ, कैमरा का टेंशन नहीं है। ओके, सो अगर देखा जाए तो कल हमने इतने डेफिनेशंस कंप्लीट किए थे, आज हम बढ़ रहे हैं कहां? बोले एक बार जो से आगे, पूरा ध्यान मुझे बोर्ड के ऊपर चाहिए, कॉन्सेंट्रेट करना डबल ट्रिपल। ठीक है, सबसे पहले आज हम जो डेफिनेशन कवर करने वाले हैं वो है स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी सुना है? बोलो हाँ, है ना। आज कांडे बेटा, आज जाओ। ठीक है, स्टैट्यूटरी वार्निंग, डेफिनेशन पढ़ने के बाद जो मैं डिक्लेयर करूंगा उसके ऊपर मेरे से कोई झगड़ने नहीं आएगा। ठीक है, ये मैं पहले ही बोल दूँ, लास्ट टाइम मैंने बहुत झगड़ लिया था फिर भी समझ में आता नहीं, तो मैं तो कोई टेंशन लिया नहीं। ठीक है, चलो स्टार्ट करें, बोलो यस और नो। ला 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 ला। ठीक है, अब पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर चाहिए। ठीक है, कॉन्सेंट्रेट करना डबल ट्रिपल। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, व्हाट इज अ स्मॉल कंपनी? पहले तो स्मॉल कंपनी का आपने 2 सबसेक्शन 85 में डिफाइंड है। स्मॉल कंपनी डिफाइन करने के पीछे का मकसद क्या है? स्मॉल कंपनी इज डिफाइंड जस्ट टू क्रिएट अ पार्टीशन बिटवीन अ बिग कंपनी
and a small company, so that for small immaterial or weak company you can create few exemptions. Companies Act बनाया जाता है सभी companies को लगने के हिसाब से, लेकिन majoritarily provisions of the Companies Act are made कि भाई big companies के अंदर fraud ना हो. लेकिन Companies Act के वो provision आप अगर small companies पे भी लगा दोगे, जैसे अगर आप बोलोगे कि साल में 4 board meeting होनी चाहिए, माना OPC में भी साल में 4 board meeting होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए. तो बेसिकली अगर हम इस बात को अगर समझे थोड़ा, तो स्मॉल कंपनी का बेसिक मकसद है कि भाई जो बड़ी कंपनीज को रिस्ट्रिक्शंस लगते हैं, हम उससे एस्केप करके स्मॉल कंपनीज के लिए कुछ स्पेसिफिक एग्जम्पशंस रखे. इस हिसाब से कंपनीज एक्ट में यह डिसाइड किया गया कि स्मॉल कंपनी के कुछ लिमिट रखेंगे. जैसे स्मॉल कंपनी की लिमिट होगी पेड अप कैपिटल की, दैट इज ₹50 लाख से रुपीज चेंज हो चुका है 10 करोड़. 50 लाख से कितना, 10 करोड़. और टर्नओवर का भी लिमिट दिया है, मतलब अगर आपको स्मॉल कंपनी बने रहना है तो आपको दोनों कंप्लाई करना जरूरी है. बच्चों ऐसा नहीं हो सकता कि आपका पेड अप कैपिटल है 60 लाख और टर्नओवर है 1000 करोड़ फिर भी आप स्मॉल हो. क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ है ना? तो एंड टर्नओवर वाला लिमिट है, इट शुड बी बिटवीन ₹2 करोड़ टू ₹100 करोड़. सर ये कैसा लिमिट है? अगर मैं पेड अप कैपिटल का, इसको समझना बड़े अच्छे से, अगर मैं यहां पे मनी लाइन ड्रॉ करूं, मनी लाइन, ठीक है, इधर मैं बोलू 0, इधर मैं बोलू 50 लाख और इधर मैं बोलू 10 करोड़. अब कुछ बच्चे इसका इंटरप्रिटेशन कर लेते हैं कि स्मॉल कंपनी मतलब 50 लाख से 10 करोड़ वाली, तो कुछ बच्चे क्या सोचते हैं, ये वाली कंपनी स्मॉल है, ये वाली कंपनी स्मॉल है. अगर ये स्मॉल है तो ये क्या है, टाइनी? ऑफकोर्स नॉट. तो ये गलत इंटरप्रिटेशन है. अगर आपका ये इंटरप्रिटेशन है तो ये कतई गलत है, जहर गलत. समझ में आ रहा है? तो सर इसका इंटरप्रिटेशन क्या है? 50 लाख से 10 करोड़ के बीच में से कोई भी एक लिमिट चूज करेगा सीजी. कौन चूज करेगा? सीजी. और बोल देगा कि इस साल के लिए स्मॉल कंपनी का लिमिट इतना है. जैसे फॉर एग्जाम्पल सीजी ने चूज किया ₹70 लाख. कितना लाख बोले एक बार? 70. तो फिर 0 से लेके 70 लाख तक जो भी कंपनी का पेड अप कैपिटल होगा वो सब कंपनी क्या हो जाएगी? स्मॉल. ये मीनिंग है स्मॉल कंपनी का. सीजी बोलना चाहता है कि नहीं भैया, 9 करोड़ पेड अप कैपिटल का लिमिट होना चाहिए इस साल के लिए, क्योंकि ना हम ज्यादा एग्जम्पशंस देना चाहते हैं ज्यादा कंपनीज को. लिमिट सीजी क्यों बढ़ाएगा? 9 करोड़ तक क्यों लेके जाएगा? क्योंकि ज्यादा कंपनी स्मॉल कंपनीज में आ जाए. तो सीजी चाहता है हम ज्यादा कंपनी को स्मॉल कंपनी डिक्लेयर करना चाहते हैं, बहुत ज्यादा कंपनीज को. तो सीजी ने लिमिट कर दी भैया 9 करोड़ रुपए. तो उस साल के लिए 0 से लेके 9 करोड़ के बीच में जिनका पेड अप कैपिटल रहेगा सभी कंपनीज क्या बन गई? स्मॉल. कंसेप्ट समझ में? अब सीजी चाहता है कि हम लिमिट रखेंगे 12 करोड़. क्या रखेंगे लिमिट? 12 करोड़. गवर्नमेंट क्या बोलता है? भाई 10 करोड़ इज मैक्सिमम कैप, 10 करोड़ के ऊपर की हर कंपनी कंपल्सरीली, हर कंपनी कंपल्सरीली बिग कंपनी, तो इसको स्मॉल का सोच भी मत. पार्लियामेंट ने बोल दिया हर कंपनी बिग कंपनी, तो इसके लिए स्मॉल का सोच भी मत, ये हो ही नहीं सकता. तो अगर आप स्मॉल कंपनी की लिमिट बोलना चाहते हो कि भाई मेरी स्मॉल कंपनी की लिमिट मैं रखना चाहता हूं, क्या बोले एक बार? 12 करोड़. कतई नहीं हो सकता, ये गलत है, ये पाप है, पाप का बाप है, ये नहीं कर सकते आप. क्लियर है? तो मैक्सिमम कैप सीजी कहां तक लेके जा सकता है? 10 करोड़. सीजी बोलना चाहता है कि ना भाई हमारी स्मॉल कंपनी की लिमिट 40 लाख
गवर्नमेंट बोलता है भाई नहीं ये भी गलत है, कम से कम 50 लाख तो देखो मिनिमम लिमिट रखनी पड़ेगी, क्योंकि हम मानते हैं कि 50 लाख तक जिनका कैपिटल होता है वो स्मॉल होते हैं। गवर्नमेंट बोलती है 50 लाख वाले जितने भी है सब स्मॉल कंपल्सरी होनी चाहिए, इसमें से कुछ कमी मत करना, और 10 करोड़ के ऊपर किसी को बढ़ाना मत। तो ये लिमिट सीजी चूज करता है। कौन चूज करता है बोले एक बार? सीजी। इसको हम स्मॉल कंपनी कहते हैं। क्या कहते हैं बोले एक बार? स्मॉल। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना, जोर से बोले सर ना। अब अपन जाए तो टर्नओवर के ऊपर जाते हैं। पेड अप कैपिटल समझ में आया तो टर्नओवर कोई बड़ी बात नहीं है, 0 से शुरू हुआ, 2 करोड़ पे पहुंचा, 100 करोड़ पे पहुंचा, ठीक है। अब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया कि न इस बार टर्नओवर का लिमिट 3 करोड़, तो 0 से लेके 3 करोड़ तक की हर कंपनी क्या हो जाएगी? स्मॉल। सीजी ने बोला इस बार लिमिट 95 करोड़, तो 0 से लेके 95 तक की हर कंपनी क्या हो जाएगी? स्मॉल। आर यू अंडरस्टैंडिंग मैं क्या कह रहा हूं बच्चों? बोलो हाँ है ना। पर एक दिन सीजी ने सोचा कि ना मेरे को ना 120 करोड़ वाली कंपनी स्मॉल चाहिए, 120 करोड़ वाली। सीजी बोलता है ये पाप है, पार्लियामेंट बोलता है ये पाप है, पाप का बाप है, ये कंपल्सरीली बिग रहेगी, और 2 करोड़ के नीचे वाली तू मान मत मान पर कंपल्सरीली स्मॉल रहेगी। तेरे को बीच में जितना खेलना है खेल, तो आप ऐसी लिमिट नहीं रख सकते। अगर आप 2 करोड़ के नीचे लिमिट रखना चाहते हो कितना? 1 करोड़। नए मुन्ना नए, 2 करोड़ वाले टर्नो वाली कंपनी स्मॉल है, मतलब है, मतलब है, ये काले पत्थर की लकीर है, इसको सीजी भी चेंज नहीं करेगा। 100 करोड़ के ऊपर वाली कंपनी बिग है, मतलब है, मतलब है, ये सीजी चेंज नहीं कर सकता। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना, जोर से बोले सर ना। और ये दोनों कंडीशन अप्लीकेबल है, मतलब है, मतलब है। आपका पेड अप कैपिटल 10 लाख है और आपका टर्नओवर 1000 करोड़ है, 2000 करोड़ है, स्मॉल मानू इसको मैं? लॉजिकली क्या लगता है, स्मॉल मानू इसको मैं? इसके लिए प्रोविजन बनाया था कि 3000 करोड़ के टर्नओवर वाली कंपनी स्मॉल बन के रह जाए, क्या इसके लिए प्रोविजन बनाया? बोलो जोर से हाँ है ना। अब मैंने इसके ऊपर लास्ट टाइम स्टेटमेंट दिया, थोड़ा सा सोचो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, तुम ही सोचना। ओपीसी का मैक्सिमम पेड अप कैपिटल कितना बोला था मैंने? कितना बोला था? 50 लाख। ओपीसी का मैक्सिमम टर्नओवर मैंने कल कितना बोला था? अच्छा, उसमें से ओपीसी एक भी तोड़ेगी तो कितने महीने का ट्रांजिशन है? और दोनों तोड़ दिया तो कंपल्सरी सीज हो जाएगा। ये कहा मैंने बोला क्या है? ये कहां बोला है? 6-1, 6-2, 6-4, बराबर है? बोलो हाँ है ना एवरीबॉडी। अब ओपीसी 50 लाख के ऊपर एग्जिस्ट करती है क्या? बोलो, ओपीसी 2 करोड़ के टर्नओवर के ऊपर एग्जिस्ट कर पाएगी क्या? स्मॉल कंपनी 50 लाख के नीचे जा सकती है क्या? स्मॉल कंपनी 2 करोड़ के नीचे जा सकती है क्या? समझ में आ रहा है? तो हर ओपीसी ऑटोमेटिकली क्या हो गई? लास्ट टाइम मैंने बोला हर ओपीसी, एवरी ओपीसी इज अ स्मॉल कंपनी इन लॉन्ग रन। 6 महीने का ट्रांजिशन पीरियड भी कवर करने के लिए लॉन्ग रन ऐड किया मैंने। नहीं, बवाल हो गया, मेरे को टीचर की क्लास लेनी पड़ गई थी, गलत है, पर कोई बात नहीं, ये सही है। ये मैंने मेरे घर से कोई लॉ नहीं लाया, ठीक है। फिर रूल 6-1 और 6-2 निकाल के दिखाया गया, वो भी गलत। 6-1 में लिखा है 6 मंथ्स का ट्रांजिशन, 6-2 में लिखा है कि यू नीड टू सीज ओपीसी। उसको बताया गया कि 6-2 के अंदर कि भाई ओपीसी जब दोनों कंडीशन छोड़ेगी तो प्राइवेट या पब्लिक में कन्वर्ट होगी। प्राइवेट पब्लिक में तो आप जब एक कंडीशन तोड़ते उसके 6 महीने के अंदर कन्वर्ट करते, दोनों तोड़े तो कंपनी बंद हो जाती है। क्या आप ऐसी ओपीसी को लॉजिकली सोचो, चलो मेरा गलत है सबका गलत है, लॉजिकली सोचो, जब आप दोनों कंडीशन तोड़ोगे 50 लाख की और 2 करोड़ की, बिना कन्वर्जन के आपने ओपीसी करके सर्वाइव करना चाहिए क्या? बात खत्म। लॉजिक से लॉ बनता है, लॉ से लॉजिक नहीं बनता कभी। कंसेप्ट समझ में? बिकॉज जो लिखने वाला है वो भी इंसान ही है, तो उसने लॉजिक से ही बनाया होगा। आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? दैट्स वाई हर ओपीसी हमेशा स्मॉल कंपनी रहेगी, और इसीलिए जितने एग्जम्पशन स्मॉल कंपनी के होते हैं सब ओपीसी को ऑटोमेटिकली ठोक दिए जाते हैं। प्रैक्टिकल लेवल पे भी प्रैक्टिस करके देखो, आपको समझ में आएगा। एग्जम्पशंस की पूरी लिस्ट निकाल के देखना, जो स्मॉल के है वो ओपीसी के होगे ही होगे,
कंपलसरी, साल में 4 बोर्ड मीटिंग लेनी पड़ती है, स्मॉल कंपनी को एग्जम्पशन है सिर्फ 2 लिया तो भी चलता, सेम एग्जम्पशन ओपीसी को है, 90 डेज का गैप चाहिए। समझ में आ रहा है सबको? हाँ, है ना? तो अगर मैं आपको बोलूं इसका अर्थ, तो यह है कि स्मॉल कंपनी फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड होती है। एक पार्ट होता है इसका प्राइवेट कंपनी विच इज अ स्मॉल कंपनी, प्राइवेट कंपनी विच इज अ केवल एक बार स्मॉल, क्योंकि उन्होंने बोला है कि स्मॉल कंपनी कैनॉट बी पब्लिक, मतलब पब्लिक कंपनी स्मॉल कंपनी बन नहीं सकती, पब्लिक कंपनी स्मॉल कंपनी बन नहीं सकती। अगर पब्लिक कंपनी स्मॉल कंपनी बन नहीं सकती तो बची कौन सी? प्राइवेट, और कौन सी बची? ओपीसी। क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ, है ना? पर ओपीसी का मैक्सिमम पेड अप कैपिटल कितना? 50 लाख। ओपीसी का मैक्सिमम टर्नओवर कितना? 2 करोड़। स्मॉल कंपनी को लिमिट्स तो इसके ऊपर शुरू होती है। क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ, है ना? और ये दोनों ओपीसी के लिए मैंडेटरी है, एक भी तोड़ा तो 6 महीने का ट्रांजिशन आ जाता है। क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ, है ना? तो ऐसे सिचुएशन में हर ओपीसी को हम क्या डिनोट करते हैं? बोले एक बार स्मॉल कंपनी। और इधर प्राइवेट कंपनी में 2 पार्ट होंगे, एक जो स्मॉल कंपनी के लिमिट्स में है और एक स्मॉल कंपनी के लिमिट्स के अबव है। अबव लिमिट्स ऑफ द स्मॉल कंपनी है तो ऐसे सिचुएशन में वो स्मॉल हो पाएगा क्या? नहीं। बट विद इन लिमिट्स ऑफ द स्मॉल कंपनी है तो वो स्मॉल कंपनी बोला जाएगा क्या? बोलो हाँ, है ना? उसे स्मॉल कंपनी बोला जाएगा। आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? ये चीज को बड़े अच्छे से याद रखना। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ, है ना? आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? और दूसरी बात, बहुत सिंपल सी चीज है, लॉजिकली लॉ बना है, आप जितना खोदना चाहो खोद सकते हो, अल्टीमेटली कंक्लूजन यही आएगा। दैट इज द ओनली थिंग। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ, है ना? जोर से बोलो सर। नो, इंटर पे तो ठीक है, फाइनल पे जब आप आओगे तो स्मॉल कंपनी और ओपीसी के ऊपर थेसिस आता है पूरा का पूरा डेफिनेशन का, क्योंकि वहां पे स्मॉल कंपनी की एग्जम्पशन लिस्ट और ओपीसी की एग्जम्पशन लिस्ट 85 एग्जम्पशंस तक के जाती है पूरे 470 सेक्शन में से। सो अल्टीमेटली वहां होगे तो भी समझ में आएगा, यहां रहोगे तो भी समझ में आएगा। कंसेप्ट समझ में आया? मैं चाहूंगा इसको लिख के रखो, गो फॉर इट फास्ट। Everybody done? Yes or no? चलो वेरी गुड। यहां तक आइडिया क्लियर है?
नीचे वाला भी डायग्राम छोटा सा ड्रॉ कर लो क्लैरिफिकेशन के लिए. ओपीसी ओपीसी तो जनरली नहीं, हमेशा प्राइवेट कंपनी होती है. हाँ, पर ओपीसी हैव सेपरेट डेजिग्नेशन एज ए ओपीसी इन अ कंपनीज एक्ट, डिफाइन अलग से किया है ना. दैट्स वाई है प्राइवेट कंपनी है, बट दैट्स वाई, बट प्राइवेट में भी सेग्रीगेशन. चलो डन एवरीबॉडी. बोलो हाँ है ना, हो गया सबका. ओके, अब ये चीज होने के बाद में मैं अगले कंटेंट के ऊपर बढ़ रहा हूं. स्मॉल कंपनी वाला सिचुएशन तो यहां पे कंप्लीट हो गया, ये बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना. फिर अगला डेफिनेशन आता है, दैट इज एक्टिव कंपनी. एक्टिव कंपनी मतलब जो अभी भी चालू है. कौन चालू है? कंपनी चालू है, उसका कोई डेफिनेशन नहीं है. कंपनी काम कर रही है, बिजनेस कर रही है, एक्टिव. व्हाट इज डोरमेंट? ओके, ऐसी कंपनी जो रजिस्टर्ड है. सिंपली ये लॉजिक याद रखो, जो बोला वो सही है, पर ये लॉजिक याद रखो, जो रजिस्टर्ड है पर बिजनेस नहीं कर रही, उसे हम क्या कहते हैं? बोले एक बार, उसे डोरमेंट. क्लियर? अब ये तुम इनकॉर्पोरेशन करके बिजनेस करना डिले कर रहे हो तो भी डोरमेंट है, या तुमने बिजनेस शुरू कर दिया बीच में बंद कर रहे हो तो भी डोरमेंट है. पर डोरमेंसी अलाउड है मैक्सिमम 2 साल के लिए. सीए फाइनल लेवल पे इसके ऊपर एक सेक्शन आता है, सेक्शन नंबर 455, जो एक्चुअल डोरमेंट कंपनी का है. अगर आपको डोरमेंट कंपनी के लिए अप्लाई करना है तो फॉर्म नंबर लगता है MSC 1. डोरमेंट कंपनी का सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिलता है MSC 2 में. फिर आप 2 साल तक के मैक्सिमम डोरमेंट रह सकते हो. 2 साल के बाद में आपको लेटर्स भेजे जाएंगे कि आप कंपनी शुरू करने वाले हो या नहीं. अगर आपने कंपनी शुरू नहीं की तो आफ्टर 2 ईयर्स यू विल बी डिसॉल्वड. यू विल बी क्या बोले एक बार, उसे डिसॉल्वड. 2 साल के बाद आप डोरमेंसी में रह रहे हो, इसका मतलब कंपनी एग्जिस्ट करने का कोई सवाल ही नहीं. अब डोरमेंसी इज अ काइंड ऑफ सिचुएशन वेयर कंपनी इज लीगल रिप्रेजेंट, कंपनी इज लीगली एग्जिस्टिंग, बट बिजनेस इज नॉट बीइंग कंडक्टेड. क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो कुछ नोट लिखवा रहा हूं डोरमेंट कंपनी के ऊपर, इसको जरा नोट करना, लिखना. डोरमेंट कंपनी मीन्स, डोरमेंट कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज लीगली रजिस्टर्ड, अ कंपनी विच इज लीगली रजिस्टर्ड बट नॉट कंडक्टिंग अ बिजनेस फॉर स्पेसिफाइड पीरियड, but not conducting a business for specified period after incorporation or in between during the life of the company. Or in between during the life of the company. Or in between during the life of the company. समझ में आया सबको? बोलो हाँ है ना. ऐसी कंपनी को हम क्या कहते हैं? जोर से बोले एक बार, डोरमेंट कंपनी. क्लियर है कॉन्सेप्ट सबको? हाँ है ना. इससे ज्यादा थीसिस आपको यहां पे नहीं आएगा क्योंकि वो सेक्शन स्ट्रेट अवे फाइनल का है. सेक्शन जो है तो लिख कर रखो, सेक्शन 455 रेफरेंस के लिए, कभी आपको पढ़ने की इच्छा हो, ज्यादा डिटेल चाहिए तो. हो गया सबका हाँ है ना? अरे बोलो यस सर. नो ओके, अभी फिर हम आगे बढ़ते हैं और जाते हैं हमारे दूसरे कंटेंट के ऊपर. डेफिनेशंस नियरली जितने भी काम के हैं वो सब यहां पे खत्म हुए. बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी. सेक्शन 8 कंपनी तो हम डिटेल में देखेंगे, बट इनके डेफिनेशंस कुछ काम के नहीं है वैसे.
Any company which is doing banking business is a banking company, doing insurance business is an insurance company. Clear? That is normal. आज हम बढ़ने वाले आगे एंड टुडे वी आर गोइंग फॉर लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल. सुना है कभी? क्या होता है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल? बोलो. नहीं पता? ओके, पूरा ध्यान बोर्ड को बताना, कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे तरीके से. तुमने बोला सोलोमन वर्सेस सालोमन में, ली वर्सेस ली एयर फार्मी में, कि मेंबर अलग कंपनी अलग. हमने सीरियसली ले लिया. कल जाके हमने कंपनी के नाम पे ड्रग्स बेचना शुरू कर दिए. चरस कोकेन अफीम गांजा. बाबा जी की बूटी ला 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 ला. सब कंपनी के मेंबर नशे में घूम रहे हैं. ठीक है, सब एकदम. कंपनी ने तगड़ा प्रॉफिट कमाया 4,000 करोड़. इसके पहले 4 करोड़ भी नहीं आता था, सिर्फ नशे बेच बेच के. अलग अलग बेचा नशा, हर कुछ तो कॉकटेल करके बेचे. समझ में आ रहा है? चुप है दर्शन इस पर. एक दिन नार्कोटिक्स ड्रग और पुलिस ऑफिसर्स कंपनी के यहां पे आए. मैं डायरेक्टर था, मैं नशे नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बेचा था. लोगों को स्वर्ग दिखा रहा था. क्या गलत किया मैंने? गोची ना. सो स्वर्ग दिखा रहा था. पुलिस वाले सर क्या कर रहे हो, ड्रग्स बेचते हो? मैं बोला एक इनवॉइस ऐसा दिखाओ जो मेरे नाम पे है. सभी इनवॉइस कंपनी के नाम पे है. और तुमने शायद सालोमन वर्सेस सालोमन सुना होगा, ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग सुना होगा, तो तुम्हें पता होगा कंपनी अलग मैं अलग. जाओ कंपनी को ले जाओ, जेल में डाल दो. बोलो हाँ है ना? पुलिस बोलते सर नशे तुम भी करके बैठे हो लगता. मैं बोला हाँ मैं नहीं करता. तो मैंने बोला नशे मैं नहीं करता. बोले सर तुम्हें शायद नहीं पता, सेपरेट लीगल एंटिटी के कैरेक्टर के बाद एक और चीज आती है, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल. मैं बोला ये क्या होता है? तो बोले लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल का मतलब होता है सर कंपनी एक पर्दा है. कंपनी एक क्या है? पर्दा, जो आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है. सर कंपनी ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पिच्छू वर्क करती है. कहां वर्क करती है? पिच्छू. समझ में आ रहा है सबको? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जब काम करते हैं तो कंपनी के ऊपर असर आता है. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी के पिच्छू वर्क करते हैं. कंपनी पर्दा है, बोर्ड उसके पिच्छू वर्क करता है. समझ में आ रहा है? अगर समझो बोर्ड ने कोई फ्रॉड किया, क्या किया? फ्रॉड. तो ऐसे सिचुएशन में क्वेश्चन ये होगा कि किसको पेनलाइज किया जाए, कंपनी या बोर्ड को? तो ये डिसाइड किया गया है कि कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, खुद कुछ कर नहीं सकती. तो ऐसे केस में कंपनी का पर्दा हटाओ और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उनको आइडेंटिफाई करो. और ऐसे कल्प्रिट पर्सन को आइडेंटिफाई करने के बाद आप पेनलाइज करते हो तो इसे कहा जाता है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल. बोलो हाँ है ना? अरे ये सो नो. तो फिर अब इन 5 पॉइंट को कैसे याद रखें? एग्जाम में लिखने लायक है? पांचों के पांचों लिखने पड़ेंगे. पूछो कैसे? वो गाना सुना है तुमने, कंपनी है पर्दा, पर्दा है पर्दा गाना सुना? वो अरे गाना नहीं क्या, वो कवाली वाला? हाँ है ना, पर्दा है पर्दा. वीडियो से बड़ा प्यार है तुमको जिंदगी के अंदर, है ठीक है? पर्दा है पर्दा, ये सुना है ना? पर्दा है पर्दा, पर्दे के पीछे शी है, पर्दा नशी को बेपर्दा ना कर दू है पर्दा. अकबर मेरा नाम नहीं है, पर्दा है पर. अरे बोलो ना हाँ है ना? उसके ऊपर से अपन ने कंसेप्ट याद रखना है. पूछो कैसे? कंपनी इज अ वेल इज अ आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन इनकॉर्पोरेटेड बाय ह्यूमन. Incorporated by human. That means company है पर्दा. Company के पीछे कौन work करता है? Board of Director. Company के पीछे क्या किया Board of Director ने? Fraud. लोचा किया है. तो फिर क्या करना है? Company का पर्दा उठाना पड़ेगा. Lift the veil.
कंपनी को फिर बेपरदा है करना तो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल ही सही है। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? तो एक बार सब जन बोलो कंपनी है, गाना गाओ गाना निकम्मो गाना गाओ, क्या है? कंपनी है पर्दा, कंपनी के पीछे लोचा किया है, कंपनी को फिर बेपरदा है कर बोलो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल ही सही है, कंपनी है पर्दा। समझ में आ रहा है? तो ये 5 पॉइंट तुमने याद रखने हैं एग्जाम में जाके ठुक देने का। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना? जोर से बोले सर ना। लिखो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, हेडिंग डालना और लिख लेना। और क्लास में पूरी लिखने का ही काम करना है, और कल से तुम्हारा होमवर्क भी शुरू हो जाएगा। सर क्या मजाक कर रहे हो? 10 दिन बाद? अभी बैच ही 20 दिन के, उसमें 10 दिन बाद का घंटा करो? आएंगे ना? लेवल का बोलो हाँ है ना? इसी के साथ लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल के ऊपर कई सारे केसेस थे, याद आए? कई सारे केसेस थे, याद है क्या? सबसे पहला केस कौन सा बड़ा फेमस का केस था आइसक्रीम के ऊपर? दिनशॉ मानिक जी पेटेंट, कुछ याद आया? क्या था दिनशॉ मानिक जी पेटेंट में लिखा हुआ? बोलो क्या था? ओके, दिनशॉ मानिक जी पेटेंट। दिनशॉ जी करके एक इंडिया के बहुत बड़े मिल ओनर थे, ठीक है? ये ओरिजिनल उन्हीं का फोटो है, ठीक है? सो दिनशॉ जी एक बहुत बड़े मिलन वाले थे प्री इंडिपेंडेंस एरा में, जिनके नाम पे इंडिया की बड़ी बड़ी टेक्सटाइल मिल्स थी। इंडिया का पहला टेक्सटाइल मिल भी उन्होंने ही शुरू करवाया था। इन टेक्सटाइल मिल्स से दिनशॉ जी को बड़े मात्रा में ह्यूज डिविडेंड और इंटरेस्ट इनकम आता था,
और उस वक्त गवर्नमेंट का कहना था कि डिविडेंड और इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स लगेगा, पर साथ में गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रोवोक करने के लिए एक स्कीम निकाली थी कि अगर आप आपका डिविडेंड या इंटरेस्ट इनकम ये किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, कंपनी को प्रोवोक करना है ना, सो आप इसको किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो आपका इनकम हो जाएगा टैक्स फ्री। अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो क्या हो जाएगा, टैक्स फ्री। धनशामानिक जी पेटेट ने दिमाग लगाया, पूरा डिविडेंड इंक्रीज इनकम चार प्राइवेट कंपनीज में इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, हो गया टैक्स फ्री, बोलो हाँ है ना। वो लोन करके वापस ले लिया, वो क्या करके वापस ले लिया, लोन। अब मुझे एक बात बताओ, क्या सच में बिजनेस करने के लिए चार कंपनीज में पैसा डाला है, ये तो सिर्फ टैक्स अवॉइड करने के लिए डाला है, बोलो हाँ है ना। तो ये जो चार कंपनीज है छोटी सी कॉर्नर में लिखी हुई, क्या ये सच में बिजनेस करने के लिए बनाई है या सिर्फ फ्रॉड करने के लिए बनाई है? तो ये कंपनी का पर्दा उठना चाहिए, नहीं उठना चाहिए? सो पर्दा उठाना पड़ेगा, पीछे कौन मिलेगा, दिनशाम मानी जी पेटेट। कंसेप्ट समझ में आ रहा है, पहला केस क्लियर है, दिनशाम मानिक जी पेटेट, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ केस, कतई इंपॉर्टेंट है, कतई जहर इंपॉर्टेंट। सो पहला केस है अबाउट प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू, क्या है बोलेगी जो से, प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू, दिनशाम मानिक जी पेटेट, रेवेन्यू मतलब गवर्नमेंट का रेवेन्यू, क्लियर है। सेम केस ऐसा ही एक हुआ था प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू का, जुग्गीलाल, जुग्गी 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 जुग्गीलाल वर्सेस सीआईटी, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, क्लियर है कंसेप्ट सबको। कंपनी बनाओ टैक्स अवॉइड करने के लिए तो गलत है, समझ में आया, लिखो रजिस्टर में लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ में केस नंबर वन, केस नंबर वन, दिनशाम मानिक जी पेटेट, दिनशाम मानिक जी पेटेट, फटाफट। दिनशाम मानिक जी पेटेट, सामने डैश, किस बारे में केस, प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू, प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू। एक और केस का साथ में नाम लिखो, क्या है, जुग्गी 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 लाल वर्सेस सीआईटी, लिव लगा सांगा हो, बोले सर ना, एक चीज होने के बाद अगला वाला दूसरा केस, डैमलर कंपनी वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी। आपने कॉन्टिनेंटल टायर सुना होगा ना, वो घोड़े घोड़े के साइन वाली कंपनी है, नहीं सुना, नहीं सुना, वर्ल्ड वॉर टू की बात है, वर्ल्ड वॉर टू, वर्ल्ड वॉर टू हुआ था मित्र राष्ट्र और हिटलर के बीच में, और हिटलर कहां से था, हिस्ट्री पढ़ी जिंदगी के अंदर, जर्मनी से, क्लियर है, गोवा से नहीं था, किसने गोवा बोला, ऐसे लोग चर्सी लोग है। सो ब्रिटिश और किसके बीच में हुआ था, बोले एक बार, जर्मनी, कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना। अब एक कंपनी थी डैमलर कंपनी, जो जर्मन कंपनी थी, उसने एक सब्सिडरी ओपन की ब्रिटिश के यहां पे, नाम था कॉन्टिनेंटल टायर्स, ये साइन आपने देखा होगा, अब समझ में आया, बोलो सर ना। अब ये कॉन्टिनेंटल टायर कंपनी, वर्ल्ड वॉर टू चल रहा है और सब्सिडरी कंपनी खुद के होल्डिंग कंपनी को प्रॉफिट देना चाहती है, दो कंट्रीज के बीच में झगड़े चल रहे हैं, सब्सिडरी होल्डिंग को प्रॉफिट देना चाहती है, अरे ये तो अलाइन एनिमी हुआ ना, ना ना एलियन एनिमी हुआ है ना, एलियन एनिमी, मंगल ग्रह से बुलाया अपन ने एलियन बनाने के लिए उसको, वर्ड एलियन एनिमी नहीं होता, क्या होता है, अलाइन इल, 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 कैसे एलियन एनिमी होगा बताओ मेरे को जरा, इट्स अलाइन एनिमी, क्या है बोले एक बार, क्या मालूम कर तुमने, आगे। अब यहां पे कॉन्टिनेंटल टायर कंपनी अलाइन एनिमी को देना चाहती है प्रॉफिट, अगर आप इसका पर्दा उठा के देखो तो अलाइन एनिमी दिखेगा, गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट डिसेबल कर दिया, ब्रिटिशर्स ने बोल दिया ऐसा कोई भी प्रॉफिट ट्रांसफर हो नहीं सकता, ओ, 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 ओ। This is a case which is about company whether enemy or not. Clear है? Case का नाम लिखो, Daimler Company.
डाइमलर कंपनी वर्सेस वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी, कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी लिखा से बने डैश डिटरमाइन द कैरेक्टर ऑफ द कंपनी, डिटरमाइन द कैरेक्टर ऑफ कंपनी वेदर एनिमी और नॉट, लिख लिया सबने, हाँ है ना। सो डेमलर कंपनी वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड कब लिखवा जो से रबर कंपनी, यहां तक आइडिया क्लियर है? बोलो सर ना। ये केस होने का तीसरे केस के ऊपर जाते हैं, जोन्स वर्सेस लिपमैन, क्लियर है? ये सभी केसेस एग्जाम में पूछते हैं सभी। जोन्स वर्सेस लिपमैन ये समझने के लिए तुमको पहले थोड़ा सा सेल ऑफ गुड्स एक्ट का नॉलेज होना चाहिए। सेल ऑफ गुड्स एक्ट का नॉलेज है? थोड़ा है, लिटिल लिटिल, स्मॉल मिलाते जाओ लार्ज बनाते जाओ। अरे है नहीं है? सेल ऑफ गुड्स एक्ट अगर तुमने पढ़ा होगा तो पहले बोलता हूं, मिस्टर ए ने बेचा व्हाइट हॉर्स टू मिस्टर बी, कॉन्ट्रैक्ट का टिपिकल एग्जांपल, मिस्टर ए सोल्ड व्हाइट हॉर्स टू मिस्टर बी, घोड़ा बेचा, घोड़ा है वो, घोड़ा है, देखो लिखा भी है घोड़ा, समझ में आ रहा है? वो व्हाइट है, व्हाइट है, सॉरी व्हाइट, मिस्टर ए ने व्हाइट हॉर्स बेचा, किसको बोले? मिस्टर क्या बोले एक बार? बी को, समझ में आ रहा है? इसके लिए मिस्टर बी ने मिस्टर ए को रुपए 5 लाख का एडवांस भी दे दिया, क्योंकि उसका घोड़े पे दिल आया था। अब सेम घोड़े एक दिन मिस्टर ए का एक दोस्त था मिस्टर सी, वो मिस्टर ए के घर पे आया, उसने देखा व्हाइट घोड़ा तबेले में घूम रहा है, उसका भी दिल आ गया, बोले ये घोड़ा मेरे को चाहिए। मिस्टर ए बोलता है कि ऑलरेडी बेचा, पर मिस्टर ए सोचता है अगर मैंने बोला बेचा है तो कहीं पैसा नहीं मिलेगा, तो मिस्टर ए डिस्क्लोज नहीं करता है कि बेचा है। मिस्टर ए बोलता है ठीक है कितना दोगे? मिस्टर सी बोलता है मैं दूंगा 20 लाख रुपए। मिस्टर ए बोलता है तुम्हारा। मिस्टर सी 20 लाख देता है, घोड़ा लेके घर पे चल जाता है। मिस्टर बी जब आता है घोड़े की विदाई के लिए, डिलीवरी लेने नहीं, निकम्मो नालायक बच्चे, मिस्टर बी जब आता है घोड़े की विदाई के लिए, तो मिस्टर ए को पूछता है घोड़ा कहां है? घोड़ा गया। तो बोले घास खत्म हो गई तो घोड़ा भाग गया। हाँ मुझे एक बात बताओ, हाय घोड़ा कहां जाएगा, किसका ओनरशिप में जाएगा, किसका घोड़ा है ये? आपके पास 4 ऑप्शन है मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, चौथा ऑप्शन घर जाना है। बोलो ए बी या सी, किसको जाएगा घोड़ा? मुबारक हो आप जीते हो, एक नया केस लॉ, एक नया केस लॉ। पूछो कैसे? अरे पूछो ना कैसे। लिपमैन के पास एक लंबा चौड़ा लैंड था। अबे नलायक हो, कहीं कत नलायक घटती लिपमैन कर, शिव 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 शिव, हे माँ समझ। सर लिपमैन लैंड था, लिपमैन के पास जमीन थी, लंबी चौड़ी जमीन थी, ठीक है? लिपमैन के पास लंबी चौड़ी जमीन थी, लिपमैन ने ये जमीन जोन्स को बेच दी। किसको बेच दी? जोन्स को। बहुत अबे बेकार लोगो, शर्म करो, शांति शांति कंसेप्ट पे रहो। इन्होंने जमीन किसको बेच दी? जोन्स को। अब जब जमीन बेची जोन्स को, तो लिपमैन ने मार्केट रेट टैली नहीं किया। इन्होंने देखा कि भाई जोन्स को जमीन बेच दी, बाद में पता चला जोन्स को बेची 5,250 पाउंड में, बाद में पता चला यार जमीन की कीमत तो 10,000 पाउंड है। लिपमैन को लगा ये जमीन उसने नहीं बेचनी चाहिए थी, पर बेच तो दी, करे क्या? तो लिपमैन ने क्या किया, ये घोड़े वाला केस उसने सुना था, बोले अगर सेम चीज को आप रीसेल कर देते हो तो ओरिजिनल ओनर को टाइटल नहीं जाता, जोन्स को टाइटल नहीं जाएगा अगर हम इसको रीसेल कर देंगे तो।
पर बेचे तो किसको, किसी और को बेची तो भी वो जमीन क्लेम करेगा, और लिपमन को तो ये जमीन सेव करनी थी। तो लिपमन ने एक कंपनी बनाई, उसके वकील के साथ मिलकर क्या बनाई, कंपनी, और जमीन लेके उस कंपनी को बेच दी। जमीन लेके किसको बेच दी, कंपनी। जोन्स बोला जमीन कहां है, लिपमन बोले बेच दी। बोले किसको बेची, बोले कंपनी। बोले कौन सी कंपनी, मैंने ही बनाई। बोले पागल है, ऐसे तो किसी खुद की कंपनी को जमीन नहीं बेच सकता, जमीन ला। लिपमन बोलता है कंपनी अलग, मैं अलग, तो मैं बेच सकता हूं, और अगर घोड़े का टाइटल सी को मिलेगा तो जमीन का टाइटल कंपनी को मिलेगा। मुझे बताओ मित्रों, मेरे प्यारे देशवासियों, जमीन का टाइटल किसको मिलना चाहिए, लिपमन को या जोन्स को? जोर से बोलो किसको, क्योंकि यहां लग जाएगा लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। आप अगर इस कंपनी का पर्दा उठा के देखो तो पीछे कौन मिलेगा, लिपमन। कंपनी बनाई है फ्रॉड करने के लिए। आइडिया क्लियर है? दिस केस लॉ इज फेमस विथ वन मोर केस लॉ कॉल्ड एज गिल्डफोर्ड मोटार कंपनी वर्सेस होर्न। गिल्डफोर्ड मोटार कंपनी वर्सेस होर्न, इंस्टीट्यूट के मॉडल में उसको होम लिख के रखा है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ, है ना। गिल्डफोर्ड मोटार कंपनी वर्सेस होर्न। गिल्डफोर्ड मोटार कंपनी नाम की कंपनी थी जिसका एक शानदार सा एम्प्लॉय था जिसका नाम था होर्न। क्या था बोले एक बार, होर्न। ये जो होर्न था इसके दिल में चोर था, इसके दिल में चोर था। होर्न चाहता था कि वो कंपनी से रिजाइन करे और फिर कंपनी के ही कस्टमर्स को सॉलिसिट करके खुद का नया बिजनेस खड़ा करे। तो लिपमन गिल्डफोर्ड मोटार कंपनी ने होर्न के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाया कि अगर कोई भी कंपनी, कोई भी एम्प्लॉय कंपनी को छोड़ के बाहर जाता है तो कंपनी के कस्टमर्स को सॉलिसिट नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता, सॉलिसिट नहीं कर सकता। होर्न ने सुना, होर्न का दिमाग खराब हो गया। होर्न ने क्या किया, नई कंपनी बनाई और कंपनी के नाम पे सॉलिसिटेशन शुरू कर दिया। जब गिल्डफोर्ड मोटार कंपनी पूछने आई क्यों रे कस्टमर को सॉलिसिट कर रहा है क्या, होर्न बोलता है मैं नहीं, कंपनी। तो मुझे बताओ मित्रों, यहां लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वाल करना चाहिए नहीं करना चाहिए? जोर से बोलो करना चाहिए नहीं करना चाहिए? तो दैट्स व्हाई हम यहां इस कंपनी का पर्दा हटाएंगे और पीछे कौन दिखेगा, होर्न। ये केस है फ्रॉड का। देखो दोनों केस, जोन्स वर्सेस लिपमन और गिल्डफोर्ड मोटार कंपनी वर्सेस होर्न, बोथ द केसेस आर रिगार्डिंग इम्प्रॉपर कंडक्ट एंड फ्रॉड। दोनों केसेस के नाम लिख लो फटाफट। होर्न, होर्न, एच ओ आर एन ई, होर्न। लिखा सबने, उसके सामने लिखना प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड एंड इम्प्रॉपर कंडक्ट। प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड एंड इम्प्रॉपर कंडक्ट। डन एवरीबॉडी? यस सर। ना ये केस होना, आगे बढ़े पक्का? इस केस में एक और चीज डिक्लेयर की गई थी, उन्होंने शाम को डिक्लेयर कर दिया, उन्होंने हॉक्स को डिक्लेयर कर दिया। व्हाट इज शाम, व्हाट इज हॉक्स, व्हाट इज क्लोक, ये चारों वर्ड वेल के लिए, पर्दे के लिए ही यूज होते हैं। तो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल बोलो तो भी वही है, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट शाम बोलो, हॉक्स बोलो, क्लोक बोलो, सबका मीनिंग एक ही होता है, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। तो ये चारों वर्ड हेडिंग के वहां पे लिख के रखो, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल हेडिंग डाला, वहां पे और तीन वर्ड ऐड करो, शाम, हॉक्स, क्लोक। एग्जाम में कई बार वो पूछ लेते हैं व्हाट इज लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट शाम, और तुम सोचते हो यहां शाम बीच में कहां से आ गया। लिख लिया सबने? हाँ, है ना। डन एवरीबॉडी, एवरीबॉडी, हो गया सबका? नेक्स्ट केस लॉ, ये गूगल भी बोलता है इट इज होर्न नॉट होम। क्लियर है कंसेप्ट, ये चीज को याद रखना। आगे नेक्स्ट वाला केस, मर्चेंडाइज ट्रांसपोर्ट कंपनी वर्सेस ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट्स कमीशन। सुना है कभी?
होल्डिंग कंपनी ने ट्रांसपोर्ट लाइसेंस के लिए अप्लाई किया, ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन, आजादी के पहले का केस है इसलिए ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन ने घटिया तरीके से इनको रिजेक्ट कर दिया, बोले हट, कोई ट्रांसपोर्ट लाइसेंस नहीं, हट पुट ब्र दूध। होल्डिंग कंपनी का दिमाग खराब हो गया, होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी बनाई और फिर से ट्रांसपोर्ट लाइसेंस के लिए अप्लाई किया। मुझे बताओ, होल्डिंग को रिजेक्ट किया तो क्या, तो इसको भी रिजेक्ट कर दिया, बोले हट पुट ब्र, कंपनी ने केस कर दिया, बोले होल्डिंग को किया तो सब्सिडी तो जबरदस्ती है। ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन बोलता है पर्दा उठा के देखो जरा खुद का, पीछे होल्डिंग कंपनी दिखेगी। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ, है ना। सो केस इज अबाउट पब्लिक पॉलिसी, केस इज अबाउट पब्लिक पॉलिसी, लाइसेंसिंग इज अ पब्लिक पॉलिसी, यस और नो? इसके ऊपर एक और केस डिसाइड हुआ था, कॉर्नर्स वर्सेस कॉर्नर्स लिमिटेड, ये भी सिमिलर सा है। सो नाम लिखना केस का, क्या था बोले एक बार, मर्चेंडाइज ट्रांसपोर्ट कंपनी वर्सेस ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट्स कमीशन, मर्चेंडाइज ट्रांसपोर्ट्स कंपनी वर्सेस ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट्स कमीशन। बोलो हाँ, है ना, डन एवरीबॉडी? ये होने के बाद दिस वन दैट इज प्रोटेक्टिंग द पब्लिक पॉलिसी, प्रोटेक्टिंग पब्लिक पॉलिसी। एक और केस का नाम लिखना, कॉर्नर्स वर्सेस कॉर्नर्स लिमिटेड, डन एवरीबॉडी? बोलो ये सर ना। चलो, ये चीज होने के बाद में अगले कंटेंट के ऊपर जाते हैं। नेक्स्ट वाला केस, वर्कमैन ऑफ एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, केस सुना है कभी आपने ये? ओके, एक रबर कंपनी थी और ये रबर कंपनी ने एम्प्लॉयज को अपॉइंट किया था, किसको अपॉइंट किया था बोले एक बार उसे, एम्प्लॉयज को। लेकिन पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट करके एक एक्ट है जिसमें यह लिखा है कि अगर आप 20 से ज्यादा एम्प्लॉयज को अपॉइंट करते हो, कितने से ज्यादा 20, तो आपको कंपल्सरीली उनको बोनस देना पड़ेगा। कंपनी के 19 एम्प्लॉय अपॉइंट हो गए, 20वां अपॉइंट करते तो बोनस एक्ट लग जाता था। तो कंपनी ने दिमाग लगाया, सब्सिडरी खोली और सब्सिडरी के नाम पर नए एम्प्लॉय अपॉइंट करना शुरू कर दिए, सब्सिडरी के नाम पर नए एम्प्लॉयज अपॉइंट करना शुरू कर दिए। अब मुझे एक बात बताओ, 19 एम्प्लॉय होल्डिंग के नाम पे, 19 एम्प्लॉय सब्सिडरी के नाम पे, दोनों कर रही है सेम बिजनेस, दोनों कर रही क्या है बोले एक बार, सेम बिजनेस। तो मुझे एक बात बताओ, क्या आप इस कंपनी का पर्दा उठा सकते हो? जोर से बोलो ऐसा नो। अल्टीमेटली आपको ओरिजिनल कंपनी दिखेगी और बोनस एक्ट लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए? ये तो आपने सिर्फ एम्प्लॉयज का वेलफेयर लेजिस्लेशन अवॉइड करने के लिए किया है, बोलो हाँ, है ना। तो बोनस एक्ट अप्लाई किया गया, दिस केस लॉ इज अबाउट वेलफेयर लेजिस्लेशन, किस बारे में, वेलफेयर लेजिस्लेशन। केस का नाम लिखना, वर्कमैन ऑफ एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री वर्सेस एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री, लिख लो। सुबह से लेके शाम तक लिखते ही जाते हो बोले तुम, बम लिखवा रहे हैं ना। सीए इंटर पास करने का एक ही तरीका है बेटा, लिखोगे तो जल्दी से जल्दी पास हो जाओगे, धाड़ धूड़ लिखते बैठो। अभी कल से तो मैं मस्त होमवर्क भी दूंगा, दो दो तीन तीन चार चार सवाल बस, नहीं करके आया तो क्लास में सिर्फ 2 घंटे खड़े रहना है, बस सिर्फ 2 घंटे, ज्यादा नहीं, 1 मिनट ऊपर नहीं। सर ये गलत है, रिजल्ट सही आए तो सब गलत चल जाएगा, समझ में आ रहा है सबको? हाँ, है ना। जोर से बोलो सर ना। ओके, सो केस का नाम क्या है एक बार वापस बोलो, वर्कमैन ऑफ एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ, है ना। अगला केस FG फिल्म्स, ठीक है, केस बहुत अच्छा है, एक अमेरिकन कंपनी थी वो फिल्म्स रिलीज किया करती थी। अब अमेरिकन कंपनी कैसी कैसी फिल्म रिलीज करती है,
उस अरे चुपे उस अमेरिकन कंपनी का जो प्रेसिडेंट था उसकी एक और फिल्म कंपनी थी, ब्रिटिश फिल्म कंपनी, मतलब वैरायटी कंसेप्ट समझ में आ रहा है सब? अरे क्या हुआ? सो एक अमेरिकन थी और दूसरी कौन सी बोले एक बार? ब्रिटिश। अब कंपनी के नाम में ही उनका लोगो भी देखो, ए लिखा हुआ है। अब जिस कंपनी के लोगो में ही ए लिखा हो तो फिल्म कैसी होगी? तो ये कंपनी ने इंडिया में फिल्म, समझ में आ रहा है, ये कंपनी ने इंडिया में फिल्म रिलीज करने की कोशिश की। इंडिया इज वेरी संस्कारी देश, ऐसी वैसी फिल्म हम नहीं देखते कम से कम 15 साल पहले। बोलो हाँ है ना? अरे बोलो ऐसो ना। फिर 15 साल का होने के बाद में दूसरी फिल्म नहीं देखते, बोलो ऐसो ना। तो ऐसे सिचुएशन में इंडिया ने बोल दिया हट, ए अमेरिकन अमेरिकन कंपनी की कोई फिल्म नहीं चलेगी, हट बोले। तो प्रेसिडेंट का दिमाग खराब हो गया, चुपे ए, प्रेसिडेंट का दिमाग खराब हो गया, प्रेसिडेंट का दिमाग खराब हुआ, प्रेसिडेंट ने अमेरिकन फिल्म को ब्रिटिश कंपनी के नाम पे इंडिया में रिलीज करने की कोशिश की। अब मुझे एक बात बताओ, कंपनी को पर्दा करके यूज किया जा रहा है तो आपको यहां ब्रिटिश कंपनी का पर्दा उठाना पड़ेगा, पीछे फिल्म किसकी है? अमेरिकन कंपनी की। अबे नलायक हो, शांति शांति। सो बेसिकली पर्दा उठाने के बाद पीछे कौन सी कंपनी देखेगी? बोले एक बार, अमेरिकन कंपनी, जिसकी फिल्म को हमने क्या किया था? रेस्ट्रिक्ट। कंसेप्ट समझ में आया सबको? हाँ ना। एंड दैट्स व्हाई दिस इज लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ। कंसेप्ट समझ में आ रहा है बच्चों? एवरीबॉडी यस और नो? ये चीज को अच्छे तरीके से याद रखना। केस का नाम लिखो, FG Films, ठीक है। एंड दिस केस इज अबाउट कोई दूसरी कंपनी आपका एजेंट या ट्रस्टी करके काम कर रही है क्या? कंपनी एक्टिंग एज अ एजेंट और ट्रस्टी ऑफ शेयर होल्डर। समझ में आया सबको? हाँ है ना? बोले सर ना। लास्ट केस मुझे बताओ, अगर तुमने अगर कोई कंपनी बनाई, ठीक है, तुम समझो प्रमोटर हो, शीए बन गए, ठीक है, शीएस भी बन गए, शीएमए भी बन गए, ठीक है, बेकाम भी बन गए, तो तुमको काम चाहिए था तो तुमने कंपनी बनाई। अब मुझे बताओ कंपनी का क्वालिफिकेशन क्या रहेगा? अगर किसी ने पूछा व्हाट इज क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस ऑफ योर कंपनी, तो क्या क्वालिफिकेशन रहना चाहिए? जो प्रमोटर का क्वालिफिकेशन है वही कंपनी का माना जाएगा। बोलो हाँ या ना? तो ये डिसाइड हमने नहीं किया, ये डिसाइड किया है एक केस ने, जिस केस का नाम है न्यू हॉरिजॉन्स लिमिटेड। इसके ऊपर नहीं है। न्यू हॉरिजॉन्स लिमिटेड में एक सिंपल स्टेटमेंट बोला गया कि व्हाट एवर इज द क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस ऑफ द प्रमोटर विल बी अज्यूम्ड टू बी क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस ऑफ द कंपनी। सो केस का नाम लिखो, न्यू हॉरिजॉन्स लिमिटेड। व्हाट एवर मे बी द एक्सपीरियंस and qualification, whatever may be the experience and qualification, ये क्या चल रहा हो गया? Of promoters, क्या? कहाँ है? ओयो टाउन हाउस के सामने? ओके, सो ध्यान देना। सो बेसिकली क्या लिखवाया? व्हाट इज द एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन ऑफ द प्रमोटर्स विल बी द एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन ऑफ द कंपनी विल बी एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन ऑफ द कंपनी फुल स्टॉप। व्हाट एवर इज द एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन ऑफ प्रमोटर विल बी एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन ऑफ कंपनी। मतलब ऐसा सच में है या अपने खिलाफ किया जा रहा है?
कैसे लो? चलो आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे तरीके से, ठीक है? वर्चुअल पेन ड्राइव बैंड की आवाज आ रही है तो यहाँ नहीं बज रहा, तुम्हारा बज रहा है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना, कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे तरीके से, ठीक है? लेट्स गो। सो नाउ नेक्स्ट हम जा रहे हैं लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, हमारा हो गया। एक बार सभी केसेस रिवाइज कर लो फटाफट, क्योंकि ये सवाल इंस्टीट्यूट ने कम से कम 4 से 5 बार पूछा गया है, ठीक है? दिस मेनी टाइम्स लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल हैज बीन आस्क्ड, ठीक है? तो एक बार फटाफट रिवाइज कर लो और वर्ड्स को टैग कर लो, ठीक है? गो फॉर इट फास्ट। आगे नेक्स्ट, एक चीज होने के बाद जितना मेरे को कंपनी लोग का बेसिक्स क्रिएट करना था वो बेसिक्स यहां पे हो गया, बोलो एक बार जोर से, खत्म। अब ये बेसिक कंप्लीट होने के बाद में अगली चीज दैट इज जरूरी है, जो बहुत ज्यादा जरूरी है, वो है चैप्टर स्ट्रक्चर समझना। क्या समझना बोले एक बार? चैप्टर स्ट्रक्चर। पहली बात तो आपको सिलेबस में कितने चैप्टर से पता है? 10 10। कितने चैप्टर है? 10, ठीक है? 10 चैप्टर के नाम और स्टार्टिंग एंडिंग सेक्शंस। अब तो अच्छे से चैप्टर्स के नाम याद करेंगे, अच्छे से ध्यान देना, ठीक है? तरीका थोड़ा सा अजीब है पर याद रखना जरूरी है, ठीक है? बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना, ठीक है? शांति से, शांति से समझो, पहले याद करने दो फिर कमेंट्स करना, ठीक है? लेट्स गो। कंपनी लॉ के चैप्टर्स आप वैसे 10 है, पर पहला ही चैप्टर होता है सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2, दैट इज प्रिलिमिनरी और क्या बोलेगा उसे, बेसिक। क्लियर है? बचे हुए 9 चैप्टर्स आप 3 डिफरेंट पोर्शंस में डिवाइड कर सकते हो। पहला है कंपनी बनाना, ठीक है? मतलब कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना। दूसरा है कंपनी को चलाना, मतलब कंपनी को रन करना। और तीसरा है कंपनी को देखना या चेक करना, देखना या कबल एक बार चेक करना। बनाने में 3 पार्ट आते हैं, कंपनी इनकॉर्पोरेशन बनाना, प्रॉस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स दैट इज बुलाना, एंड शेयर कैपिटल लगाना। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? सो एक बार वापस से बोलो, शांति रखो थोड़ा, ठीक है? बनाना, बुलाना, लगाना। जोर से बोलो, क्या? बनाना, बुलाना, लगाना। कंपनी का इनकॉर्पोरेशन बनाना, कंपनी प्रोस्पेक्टस बांटती है तो बुलाती है, और शेयर कैपिटल लगाती है। कंसेप्ट समझ में आया? फिर चलाना मतलब कंपनी को रन करना, क्लियर है? तो कंपनी में डिपॉजिट डालते हैं, फिर चार्जेस ऑन असेट चार्ज करना, और फिर मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन मैनेज करना। क्लियर है कॉन्सेप्ट? एक बार वापस से करो सब जन। बनाना, एक्शन एक्शन, बनाना, बुलाना, लगाना, डालना, चार्ज करना, मैनेज करना। मैं मजा इधर, धीरे शांति से, मैं बोला सबको याद करना है, शांति रखो, पहले ध्यान देना, ठीक है? So, पहला कौन सा बोले एक बार? बनाना, बुलाना, लगाना, डालना, चार्ज करना, मैनेज करना। डिपॉजिट्स डालना, चार्जेस ऑन असेट चार्ज करना, मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन मैनेज करना। फिर 3 एंड वाले चैप्टर्स जो विचार रिगार्डिंग कि भाई कंपनी कैसी चली उसका रिपोर्ट, दैट्स वाई देखना। उसके अंदर डिविडेंड हमेशा कटता है, काटना, डिविडेंड कट गया, क्लियर है? फिर अकाउंटिंग एंट्री मारते हैं, सो अकाउंट्स के लिए मारना, जर्नल एंट्री मारते हैं ना हम, बोलते हैं जर्नल एंट्री मार, तो काटना, मारना, और एंड में चेक करना। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? ऑडिट, चेक करना मतलब ऑडिट, क्लियर है? सो एक बार वापस से, क्या है? बनाना, बुलाना, लगाना, डालना, चार्ज करना, मैनेज करना, काटना, मारना, चेक करना। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना? जोर से बोले सर। 9 टोटल कितने चैप्टर्स है? 9। एक बार वापस से थोड़ा सोच के बोलो। बनाना मतलब इनकॉर्पोरेशन, बुलाना मतलब प्रॉस्पेक्टस, लगाना कैपिटल, फिर क्या है? डिपॉजिट डालना, चार्जेस ऑन असेट, और मैनेज करना मतलब मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। क्या कटता है, क्या मारते हैं? अकाउंटिंग एंट्री, जर्नल एंट्री, और क्या चेक करते हैं? ऑडिट। क्लियर है आंसर? बोलो हाँ है ना? सो बेसिक ऑफ कंपनी लॉ फर्स्ट चैप्टर, बनाना फॉर्मेशन इनकॉर्पोरेशन, बुलाना प्रॉस्पेक्टस अलॉटमेंट, लगाना शेयर कैपिटल डिबेंचर, डालना एक्सेप्ट डिपॉजिट, चार्ज करना चार्जेस ऑन असेट, मैनेज करना मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, काटना डिविडेंड डिविजिबल प्रॉफिट, मारना अकाउंटिंग एंट्रीज,
और चेक करना ऑडिट ऑफ अकाउंट्स. पर इनके सेक्शन रेंज भी याद होने चाहिए, बिकॉज अगर आपको सेक्शन रेंज याद नहीं है तो आपको चैप्टर्स पे होल्ड नहीं आएगा. ठीक है, अब मेरे पीछे बोलना, बोलो टन 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 टारा, बोलो ना टन 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 टारा. सो टी टी ना टिन 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 टारा, बोलो क्या टिन 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 टारा. मतलब सेक्शन तीन, तेईस, त्रियालीस है, त्रियालीस और त्रेहत्तर, ये स्टार्टिंग सेक्शन है सभी चैप्टर्स के. टिन 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 टारा, बोलो ये स्टार्टिंग सेक्शन है. हाँ, मतलब इससे हम इनके एंडिंग सेक्शंस भी क्रिएट कर सकते हैं. बोलो हाँ है ना, ये सुनो. सो वापस बोलो टिन 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 टारा, तीन, तेईस, त्रियालीस, त्रिहत्तर. फिर जॉइंट सेक्शन 77 88, बोलो 77 88, ये सुनो. सो वापस पूरा टिन 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 टारा, 77 88, 12 की शो की तीन टिकटे है. बोलो 12 की शो की 128 में दिलाओ, कितने रुपए में 100. समझना मुझको ऐसा वैसा, मेरे बटवे में है पैसा, कितना पैसा 139. कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना. सो एक बार वापस है क्या, टिन 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 टारा, 77 88, 12 की शो की कितने में 128. समझ लो मुझको ऐसा वैसा, मेरे बटवे में पैसा, फास्ट फॉरवर्ड. हाँ कितना 139. तो अब एंडिंग सेक्शंस बना लो, 3 से लेके 22 फॉर्मेशन इनकॉर्पोरेशन, 23 से लेके 42 शेयर प्रोस्पेक्टस अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, 43 से लेके 72 शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर, 73 से 76 उसमें लगा दो बी, अमेंडमेंट है ना. फिर 77 से 87, 88 से 122, 123 से 127, 128 से 138, 139 से लास्ट सेक्शन 148. यह है आपकी चैप्टर लिस्ट. कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको, हाँ ना. एक बार वापस बोलो क्या है, टिन 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 टारा, 77 88, 12 की शो की कितने में 128 में, और मेरे बटवे में कितना पैसा है 130. कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना. ये चैप्टर लिस्ट याद रहनी चाहिए, बिकॉज अगर आपको ये याद है तो सेक्शन याद करवाने की जिम्मेदारी मेरी, लेकिन ये याद करने की जिम्मेदारी तुम्हारी. ठीक है, सेक्शन भी अपन फर्स्ट ट्रैक हुआ तो क्या हुआ, सेक्शन याद करेंगे पूरे. कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना. उसका एक स्टीरियोटाइप प्रोटोटाइप इनकॉर्पोरेशन चैप्टर का आज ही दिख जाएगा आपको. ठीक है, कि सेक्शन याद होते हैं या नहीं होते, विल सी होते हैं या नहीं होते. ठीक है, फिलहाल इसको लिख लो, गो फॉर इट फास्ट. इसके पहले वो बनाना बुलाना लगाना है क्या, लिख के रखो. नहीं तुम मत लिखो, जिसको लिखना है उसको तो लिखने दो. ठीक है, गो फॉर इट फर्स्ट. याद रखने के लिए कान का है, लिख लो फटाफट.
ये डायग्राम हो गया है। अगले लिस्ट गो फॉर इट फर्स्ट। हो गया डन। साइड में याद रहे इसलिए टिन टिना टिन 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 टारा भी लिख के रखो, नहीं तो मेमोरी टेक्निक ही भूल जाओगे, फिर मेमोरी टेक्निक को याद करने के लिए और मेमोरी टेक्निक बननी पड़ेगी। तो चेंज हो गया। हाँ, ओनली परमानेंट थिंग इज चेंज। डन। चलो आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेंट्रेट करना। एक बार मुझे वापस से बताओ, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म क्या क्या है बोल एक बार। कितने पार्ट में डिवाइडेड है? तीन। पहला बनाना, चलाना, देखना। बनाना में बनाना, बुलाना, लगाना, डालना, मैनेज करना और काटना, मारना और चेक करना। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना। एक बार पहला चैप्टर कौन सा? प्रिलिमिनरी। दूसरा फॉर्मेशन। तीसरा प्रॉस्पेक्टस। चौथा शेयर कैपिटल। पांचवा डिपॉजिट। छठवा सातवा मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। आठवा डिविडेंड। नौवा अकाउंट्स। दसवा ऑडिट। एक बार गाना बोलो, टिन 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 तारा। 77 88। 12 के शो की 3 टिकटें है, 128 में दिला, समझ समझ। हाँ कितना? 139। क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ है ना। जोर से बोलो सर ना। तो मुझे बताओ, तीन तीना तीन 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 तारा मतलब 3 23 43 73, 3 23 43 73। समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना। जोर से बोलो सर ना। ये आपने बड़े अच्छे से याद रखना, क्लियर है कंसेप्ट? अब मैं बढ़ रहा हूं आगे। अब अगले कंसेप्ट के ऊपर हम जो जा रहे हैं वो कतई इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। पूछो कौन सा? रेजोल्यूशंस। किधर गया? मार खाएगा ये? ये क्या गा रहा है? ओके। अब बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना। कंपनी के फाइनेंशियल पिलर्स, या आप ऐसा बोल सकते हो कंपनी के डिसीजन मेकिंग पिलर्स, तीन होते हैं। कितने होते हैं? तीन। जिसमें से सबसे पहले होते हैं शेयर होल्डर्स, जो डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होते हैं। दूसरे कौन? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और तीसरे कौन? क्रेडिटर्स। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना। शेयर होल्डर्स जो पिलर होते हैं,
उनकी दो मीटिंग होती है, दो पार्ट में डिवाइड किया जाएगा, जैसे इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस। प्रेफरेंस शेयर होल्डर की मीटिंग को कहा जाता है क्लास मीटिंग, जोर से बोलो, कौन सी मीटिंग? क्लास। और इक्विटी शेयर होल्डर्स की मीटिंग को कहा जाता है मेंबर्स मीटिंग, जिसके अंदर क्लास मीटिंग अलग होती है और जनरल मीटिंग अलग होती है। कौन सी मीटिंग बोले एक बार? जनरल। इक्विटी शेयर होल्डर की भी क्लास मीटिंग होती है, जैसे अगर स्मॉल इक्विटी शेयर होल्डर्स है तो उनकी क्लास मीटिंग को कहा जाता है स्मॉल शेयर होल्डर्स मीटिंग। क्लियर है? फाइनल लेवल पे कंसेप्ट आएगा, 20,000 से नीचे जिनका फेस वैल्यू होल्डिंग है उनको स्मॉल शेयर होल्डर करके बुलाया जाता है, तो उनकी मीटिंग को स्मॉल शेयर होल्डर्स मीटिंग बोलते हैं, क्लास मीटिंग। क्लियर है कंसेप्ट? डीवीआर? नहीं नहीं नहीं, नॉट अ रिलेशन डीवीआर यहां पे, ठीक है? सो स्मॉल शेयर होल्डर्स मीटिंग। नेक्स्ट वाला जनरल मीटिंग होती है, और जनरल मीटिंग फर्दर डिवाइड की जाती है तीन पार्ट में। पहली होती है स्ट्रेटेजिक जनरल मीटिंग, विच इज कॉल्ड एज स्टैट्यूटरी जनरल मीटिंग, जिस मीटिंग में हम ये डिसाइड करते हैं कि कंपनी कैसे चलेगी, कंपनी कैसे बिजनेस शुरू करेगी और कंपनी कैसे आगे बढ़ेगी, क्योंकि ये मीटिंग इनकॉर्पोरेशन से एक महीने बाद और छह महीने के अंदर ली जाती है, सिर्फ ये डिसाइड करने के लिए हाउ टू मूव विद द कंपनी। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना। नॉर्मली इसके लिए कोई सेक्शन डिफाइंड नहीं है बच्चों, मीन्स देर इज नो सेक्शन विच टॉक्स अबाउट स्टैट्यूटरी जनरल मीटिंग। ये वो मीटिंग है जिसके अंदर कंपनी के आगे के प्लान्स किए जाते हैं। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना। दूसरा मीटिंग होता है एन्युअल जनरल मीटिंग। एन्युअल जनरल मीटिंग साल में हर बार होता है, पर एन्युअल जनरल मीटिंग तीन कंडीशंस के ऊपर डिपेंड होता है। कितने कंडीशन के ऊपर? तीन। एक कैलेंडर में एक एजीएम होनी चाहिए, दो एजीएम के बीच का डिफरेंस मैक्सिमम 15 महीने, और फाइनेंशियल ईयर एंड से 6 महीने के अंदर। अब नॉर्मली अगर ये याद नहीं रहता तो हम इसको इस तरीके से बोलते हैं, हमने पीछे रिपीट करना है, ठीक है? एक कैलेंडर ईयर में एक एजीएम होना है, बोलो। दो एजीएम के बीच में 15 महीने होना है, बोलो। फाइनेंशियल ईयर एंड से 6 महीने में होना है। एक बार पूरा बोलो। एक कैलेंडर ईयर में एक एजीएम होना है, दो एजीएम के बीच में 15 महीने होना है, फाइनेंशियल ईयर एंड से 6 महीने में होना है। पर इसके हिसाब से ड्यू डेट भी निकालनी पड़ती है। अगर आप सोचो तो एक कैलेंडर ईयर में एक एजीएम, मतलब कैलेंडर ईयर का लास्ट डे कौन सा होता है बोलो? 31st of December, मतलब लास्ट डेट कैलेंडर ईयर के हिसाब से आई 31st December, पहले कंडीशन के हिसाब से, क्योंकि एक कैलेंडर ईयर में एक एजीएम तो लास्ट डे पे भी ले सकते हैं ना, तो 31st December। दो एजीएम के बीच में 15 महीने, पर ये तो वेरिएबल हो गया, ये तो पहले एजीएम के ऊपर डिपेंड करता है, तो वेरिएबल हो गया। और फिनांश, पर ये वेरिएबल हो के होगा कितना, समझो लास्ट एजीएम, लास्ट साल की एजीएम अगर आपने होल्ड की तो मार्च के बाद ही होल्ड करोगे ना, फाइनेंशियल ईयर के अंदर तो होल्ड नहीं करोगे। लास्ट एजीएम तो आप मार्च के बाद ही होल्ड करोगे, नियरली अप्रैल में। अगर आपने अप्रैल में भी एजीएम होल्ड की तो वहां से अगर आप गिनोगे 15 महीने, कितने महीने? 15, तो भी जुलाई एंड तक खत्म होंगे, तो ये जुलाई तक पीछे आ सकता है। पर मुझे बताओ कोई एजीएम इमीडिएटली मार्च में अगर फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ तो क्या जुलाई में होल्ड करता है? बोलो हाँ है ना। कम से कम जून वगैरह तक के होल्ड करेगा, ऑडिट करवाना पड़ता है, बोलो हाँ है ना। तो दिस इज वेरिएबल। थर्ड, फाइनेंशियल ईयर एंड से कितने महीने के अंदर? 6 महीने। फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होता है? 31st March। 6 महीने कब खत्म होंगे? 30th September। सो 30th September, अब इनमें से आपको क्या लेना है? विच एवर इज अर्लियर, जोर से बोलो विच एवर इज, क्या बोलो एक बार? अर्लियर। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? और इसके वजह से हमारा डेट क्या होता है? 30 September। क्या होता है? 30 September। कंसेप्ट समझ में आ रहा है बच्चों मैं क्या कह रहा हूं? तो जब भी मैं 30 September बोलू, अज्यूम कर लेना हम किसकी बात कर रहे हैं? एजीएम। जोर से बोलो किसकी बात कर रहे हैं? एजीएम। क्लियर? ये ड्यू डेट, इसके बाद नहीं हो पाएगा। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना। जोर से बोलो सर। नौ, तीसरा वाला एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, सेक्शन नंबर कौन सा बोले एक बार? 100। क्लियर है? ये कभी भी हो सकता है, जब आप बुलाओ। एजीएम नहीं होल्ड कर सकते, कभी भी बुलाना है तो यू कैन होल्ड ईजीएम। अब टेंशन है सेक्शन नंबर, एजीएम का सेक्शन नंबर है 96। कैसे याद रखे?
बिजनेस एजीएम कब होनी चाहिए, रात को या बिजनेस आवर्स में? और बिजनेस आवर्स क्या होते हैं? 9 AM to 6 PM 96. कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना. ईजीएम का 100 बताओ, 100 मारना, सेंचुरी मारना ऑर्डिनरी चीज है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज है? एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग. कंसेप्ट छोटी छोटी टेक्निक याद रखना, ठीक है? ऐसे ही सब सेक्शन याद करने हैं, क्लियर है? तो ये चीज को याद रखना, क्लियर है कंसेप्ट? सो कितने मीटिंग से बोले एक बार? स्टैट्यूटरी, एजीएम, ईजीएम. एजीएम का सेक्शन बोलो वापस से, 96. ईजीएम का सेक्शन 100. कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना, जोर से बोलो यस और नो. ये तीन टाइप के मीटिंग में बच्चों दो टाइप के बिजनेस होते, एक बिजनेस होता है ऑर्डिनरी और एक बिजनेस होता है स्पेशल. ऑर्डिनरी बिजनेस कितने होते हैं? ऐसे नहीं बोलते, मेरे पीछे बोलो दादा. ऑर्डिनरी बिजनेस होते हैं चार, सब जन बोलो दादा. ऑर्डिनरी बिजनेस होते हैं चार, दा दा डायरेक्टर, ऑडिटर, डिविडेंड, अकाउंट्स. दादा, क्लियर कंसेप्ट? अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, एक्सेप्टिंग ऑफ अकाउंट्स. दादा, ऑर्डिनरी बिजनेस होते हैं. कंसेप्ट समझ में आ रहा है? और ये चार ऑर्डिनरी बिजनेस छोड़ के बचे हुए सब क्या होंगे? स्पेशल. सो ऑर्डिनरी बिजनेस कितने? DA, DA, सभी के सभी चार. और ये छोड़ के कोई अदर बिजनेस है तो उसको हम क्या कहेंगे? स्पेशल. समझ में आया पक्का मैं क्या कह रहा हूं? एवरीबडी यस सर नो, ये चीज को कन्फर्म याद रखना, क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ है ना. इसको लिखने की इच्छा है क्या? वैसे बुक में है ये तुम्हारे, जो मैं बुक देने वाला हूं उस बुक के में ये है, ठीक है? एक चीज आप लिख के रख सकते हो एजीएम वाली, क्लियर है कंसेप्ट? तो एजीएम के लिए मैं डायग्राम देता हूं, वो लिख के रखना आपने, होल्ड वापस से, ठीक है? तीन कंडीशन, कैलेंडर ईयर के हिसाब से 31st December, बॉम्ब है किसी के पास? बॉम्ब मरने वाला, एक आधा मर जाए ऐसा. एक तो इतना जोर से बजाओ कि क्लास ही ना ले पाए, ये इतना धीरे बजाओ कि सुनाई ना दे. बीच वाला चल रहा है, और वो भी एकदम घटिया का गाना चल रहा है कोई तो भी. देखो फटाफट, सिर्फ एजीएम का लिखना. आगे बढ़िए सर ना. ओके, सो मुझे एक बात बताओ, तीन टाइप के मीटिंग में कितने टाइप के रेजोल्यूशन होते हैं? कितने टाइप के बिजनेस? दो. उसमें ऑर्डिनरी बिजनेस मतलब क्या है? वापस बोलो. अरे बोलो दादा. ऑर्डिनरी बिजनेस होते हैं चार, लिख के रखो रजिस्टर में, दादा ऑर्डिनरी बिजनेस होते हैं चार. DA DA, डी पर से डायरेक्टर, ए पर से ऑडिटर, डी पर से डिविडेंड, ए पर से अकाउंट्स.
आगे लिखो फटाफट डीए डीए ले लिया क्या? चलो जल्दी अपने को रिजोल्यूशन खत्म करना है आज। क्या 7 बजे तक पढ़ोगे ना आराम से? नहीं चल क्या मिल खूब जमेगा रहा मिल बैठे 3 यार ठीक है आगे बढ़े बोलो ऐसा ना साढ़े नौ ओके आगे बढ़ते हैं ध्यान देना कॉन्सेंट्रेट करना। अब हम जाते हैं 3 टाइप के रिजोल्यूशन पे। कितने टाइप के रिजोल्यूशन पे? 3। कौन से 3 टाइप के होते हैं? ऑर्डिनरी स्पेशल यूनानिमस। क्या लॉजिक है इसके पीछे क्यों ऐसे 3? ऑर्डिनरी मतलब डेली बिजनेस समझ में आया। जैसे हमने डिसाइड किया कि भैया संडे को छुट्टी चाहिए क्या? अभी तुम नहीं बोल रहे हो कि तुम फास्ट ट्रैक में हो रेगुलर में आप बोलता था क्यों छुट्टी चाहिए कि हाँ सर और यूनानिमसली हाँ बोलते वहां पे हाँ है ना। तो छुट्टी चाहिए क्या मुझे बताओ ये इतना स्पेशल मैटर है क्या? डे टू डे का मैटर है। जैसे आज मैं 7 बजे तक पढ़ाऊ क्या? डे टू डे मैटर है। तो जो डे टू डे मैटर है नॉर्मल सा मैटर है उसके लिए हम कौन सा रिजोल्यूशन पास करते हैं? ऑर्डिनरी जैसे हॉलीडे का डिसीजन। लेकिन समझो मैंने डिसाइड किया चलो फास्ट ट्रैक बैच के बाद में ना अपन ट्रिप पे जाते हैं छुट्टी हॉलीडे ऐसे बिहेव करते हो ना हॉलीडे को तुम हाँ ना बोलो यसन हॉलीडे मिला तो और ऐसी हरकतें शुरू हो जाती है बोलो यसन ओके। अगर मैंने आपको बोला कि भैया ट्रिप निकालते हैं क्या निकालते हैं? ट्रिप निकालते हैं। अब मैंने पूछा ट्रिप में लोग आ रहे हैं क्या? कितने लोग आ रहे हैं? और सिर्फ 50% लोगों ने हाथ रेस किया। ट्रिप ले जाने में कोई सेंस है? उसमें भी सिर्फ लड़कों ने किया लड़कियों ने किया ही नहीं फिर नहीं आएगा कोई फिर तो जाना ही नहीं है किसी को। मतलब ट्रिप में सब्सटेंशियल नंबर चाहिए स्पेशल वाला। कैसा नंबर चाहिए? स्पेशल। सो ट्रिप निकालने का डिसीजन ये स्पेशल रेजोल्यूशन। ये कौन सा रेजोल्यूशन है? स्पेशल। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना जोर से बोले सर ना। या फिर मैंने तीसरा वाला मैंने बोला यार ये ना बैच ना बंद कर देते मेरा मूड नहीं है बिल्कुल ब्लैंड का और मैंने बोला मेरे को बैच बंद करनी है। जैसे ही मैंने बोला बैच बंद करनी है तुमने ताले बजाई वाह 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 जाओ जाओ बहुत दिमाग खराब हो गया निकलो यहां से ठीक है। वैसे ही परेशान करके रख दिया आदमी ने हाँ है ना। और सबने इकट्ठा होके बोला वाह सर बहुत बढ़िया एक नंबर शानदार पैसे भी रख लो नहीं चाहिए वापस आप जाओ पहले यहां से। ऐसे तुमने बोला ऐसा होगा नहीं अरे हाइपोथेटिकल क्लियर है। अगर ऐसा तुमने बोला तो मुझे एक बात बताओ तो ये कौन सा रेजोल्यूशन हो जाएगा? यूनिवर्स। पर इसमें से एक भी जाके विशाल सर के सामने खड़ा हो गया कैसे? टीचर लाके रखे तुमने चलती बैच बीच में छोड़ दी चलती बैच बीच में छोड़ दी ऐसे कौन करता है? ऐसे किसी एक ने जाके विशाल सर को बोल दिया एक ने समझ में आ रहा है तो ये यूनानिमस रेजोल्यूशन कैंसल होगा। ये यूनानिमस क्या रेजोल्यूशन क्या होगा? कैंसल। यूनानिमस मतलब सबका अप्रूवल चाहिए। यूनानिमस मतलब सबका अप्रूवल चाहिए। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? सो कितने टाइप के रेजोल्यूशन होते हैं? 3। ऑर्डिनरी स्पेशल यूनानिमस क्लियर है। पर तुमको ये रेजोल्यूशन नहीं पता क्योंकि अभी तो मैंने सिर्फ डेफिनेशन बोले हैं डेफिनेशन भी नहीं बोले अभी तो मैं डेफिनेशन भी बोलूंगा कैलकुलेशन भी बोलूंगा तो हो सकता है कहीं तुम्हारे साथ धोखा हुआ हो तो उसको ठीक करने का समय आ गया है। बहुत अच्छे से ध्यान देना अगर कंपनी में बहुत अच्छे से ध्यान दो ये बहुत जरूरी है। मेरे को एक तो बॉम्ब दो डांस दो जिंदगी नहीं वर्चुअल पेंटर हो तुम्हारे ऊपर गुस्सा नहीं है। डोंट येलो टी शर्ट नहीं पिंक टॉप येलो टी शर्ट ठीक। अरे उनको मत देखो इधर वर्चुअल में बोल रहा हूं मैं ठीक है। कैमरा में नहीं दिखते लोग येलो टी शर्ट पिंक टॉप कैमरा की तरफ देख रहा ठीक है। लेट्स गो स्टार्ट करते ध्यान देना। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन देखो अगर 100 लोग है तो इट्स क्वाइट इजी टू डिसाइड कि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन में 100 में से 51 ऑर्डिनरी और 49 इज माइनॉरिटी और ये ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन माना जाएगा। बोलो हाँ है ना एवरीबॉडी यस और नो।
लेकिन अगर मैं बोलूं कि टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स है 1001, और आप अगर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन को मान के बैठे हो कि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन 51% होता है, कितना परसेंट होता है 51, अगर आप ऐसा कहते हो कि ये 51% होता है तो ये गलत है. क्यों? क्योंकि 1001 का 51% होता है 511, पर हमें ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के लिए 511 नहीं 501 चाहिए, और अपोजिट में 500 भी हो सकते. समझ में आ रहा है? ये चीज को याद रखना, 51% नहीं, वन वोट इन अ फेवर इन एडिशन टू अगेंस्ट इज ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन. सो सिंपली ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन को मैं डिफाइन करूं तो इट इज अ फेवर मोर देन अगेंस्ट. इट इज अ फेवर मोर देन अगेंस्ट इज ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन. फेवर में 1001 में से 501 भी आ गए तो भी ये फेवर में आ गया. अगेंस्ट में कितने हो सकते हैं? 500. कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना? जोर से बोलो सर. ना स्पेशल रेजोल्यूशन, ये कठिन है, तकलीफदायक है, बड़े अच्छे तरीके से समझना. हम स्पेशल रेजोल्यूशन को नॉर्मली मानते हैं कि भाई ये 75% रेजोल्यूशन है, पर ये भी गलत है. इसको आप ऐसा मानो, अगर आप स्पेशल बोलते हो 75%, तो कुछ एग्जांपल्स लेते. कंपनी में अगर 1000 लोग हैं तो मुझे बताओ स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए कितने लगेंगे? 750 नहीं, वी आर 3/4 के ऊपर बैठे हैं, स्पेशल की बात चल रही है. सो 750 और दूसरे साइड कितने हो सकते हैं? 250. 750 और कितने? जोर से बोलो 250. वही अगर मैं दूसरा एग्जांपल लेके बोलूं 1001, तो मुझे बताओ स्पेशल के लिए कितने चाहिए? 1001 मेंबर्स है तो स्पेशल के लिए कितने चाहिए? चाहिए इंटर हॉ, चाहिए फाइनल हॉ. समझ में आ रहा है? कितने लगते हैं स्पेशल में बताओ? 751. दूसरे साइड कितने हो सकते हैं? 250. अभी तो धर्म संकट शुरू हुआ है. 1002. 751. चाहिए फाइनल हॉ. बोलो कितने चाहिए? 752 और 250. 1003. 753 एंड 250. 1004. 753. 251. लॉजिक सिंपल है. अगेंस्ट में एक ऐड करने के पहले फेवर में तीन होने चाहिए. द वोट कास्टेड इन फेवर ऑफ द रेजोल्यूशन should be more than or equal to 3 multiplied by against the resolution. ये definition है. Vote cast in favor of resolution should be at least 3 times of against the resolution. Are you understanding? बहुत सारे बच्चों को, ये final के बच्चों को भी नहीं पता होता. First day यही पढ़ाते रहता हूँ मैं जिंदगी के अंदर उनको. Concept समझ में आ रहा है? So वापस बोलो, vote cast in favor shall be at least 3 times the against. Clear है concept सबको? हाँ है ना? जोर से बोलो. ऑर्डिनरी क्या था? वोट कास्टेड इन फेवर शुड बी मोर देन अगेंस्ट, यहां मिनिमम 3 टाइम, और यहां इक्वल टू है. ऑर्डिनरी में इक्वल टू था क्या? नहीं, वहां मोर देन था. समझ में आया पक्का? तो मैं चाहूंगा इनको लिख के रखो, एटलीस्ट दो रेजोल्यूशन को. गो फॉर इट फास्ट. ऐसे ट्री डायग्राम निकालना, उसमें ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन का लिख देना. सिंपल एग्जाम्पल, फिर उसके नीचे स्पेशल का लिखना बाद में.
बोलो हाँ है ना। स्पेशल के भी एग्जांपल्स लिख के रखो, एग्जांपल लिखना हा, नहीं तो आपको बाद में कभी कंसेप्ट में कंफ्यूजन हुआ तो पता नहीं चलेगा। अच्छा, ये किसका, सभी मेंबर्स का या जो सिर्फ प्रेजेंट और वोटिंग है उनका? जहां रिजोल्यूशन वर्ड आया, कतई जहर याद रखना, जहां रिजोल्यूशन वर्ड आया वहां प्रेजेंट और वोटिंग ऑटोमेटिक लग गया। क्लियर है? तो प्रेजेंट और वोटिंग का मतलब कंपनी में 1500 मेंबर है, आए सिर्फ 1000, तो 1000 का ही कैलकुलेशन होगा ये। क्लियर है? वर्चुअल पेंडर को म्यूजिक सुनाई दे रहा है क्या? नहीं जाएगा मैक माइक। चलो डन एवरीबॉडी। हो गया सबका? ओके, यूनानिमस की जगह पे लिखना लास्ट चीज, ऑल द वोट्स ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर, ऑल द वोट्स ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर, ऑल द वोट्स ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर शुड बी इन फेवर ऑफ रेजोल्यूशन, शुड बी इन फेवर ऑफ रेजोल्यूशन विदाउट एनी वोट अगेंस्ट इट, without any vote against it. Done. Sangha ho. All the votes of present and voting member should be in favor of resolution without any vote against it. Clear hai? Ek baar mujhe sections bolna, EGM ka section kya hai? 96. EGM ka 100. Concept samajh mein aa raha hai sabko? Haan hai na? और रिजोल्यूशन का सेक्शन सिंपल, सेक्शन नंबर 114, ठीक है? ऐसे याद रखना, एक दिन 14 फरवरी किसी के लिए ऑर्डिनरी, किसी के लिए स्पेशल। बोलो क्या बोलना है? एक दिन किसी के लिए ऑर्डिनरी, किसी के लिए स्पेशल। तुम्हारे लिए क्या है? यूनानिमस। चलो आज के लिए काफी करते हैं, सॉल्व व्हाट टुडे, हैव ए नाइस डे, थैंक यू। बोलो जोर से बोलो। चलो गुड डे, गॉड ब्लेस यू बेटा।